हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। अब हम बात करेंगे नवरात्रों के आखिरी दिन की। जी हां, आज रामनवमी है और आज नवरात्रों का आखिरी दिन है, नौवां दिन है। आज माता की पूजा अर्चना किस तरीके से की जाए, कैसे भक्त माता का आशीर्वाद आज के दिन पर पाएं, क्योंकि नवरात्रों का ये सबसे आखिरी दिन होता है नवमी, तो नवमी में किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए और मंदिरों में आज क्या तस्वीर है और तमाम शक्तिपीठों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, जाहिर तौर पर कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर लोग घर में ही माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन ये खास पेशकश खास आप सबके लिए, जहां आप अलग अलग शहरों के शक्तिपीठों के दर्शन कर सकें, इसीलिए हम लेकर आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीश जुड़े हुए हैं कालावली से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जगदीश, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और आज आखिरी दिन है, आज रामनवमी है, तो ऐसे में किस तरह की तस्वीर मंदिर में नजर आ रही है? अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर की जो ज्योति है 20 साल पुरानी अखंड ज्योति यहाँ पर चल रही है। आज रामनवमी का नवरात्रों का नौवां दिन है, उसको लेकर अगर बात की जाए राम नवरात्र के नौवें दिन की, तो माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री का जो पूजन है आज के दिन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का जो स्वरूप है, उसी स्वरूप में माता को देखा जाता है। अगर बात की जाए पूजन की विधि की, तो एक माना जाता है कि रामनवमी के दिन भले ही आप अष्टमी को पूजन करके अपना व्रत खोल चुके हैं, लेकिन आप शुद्ध रहते हुए नवमी नवरात्रि पर पूजन आपको जरूर करना चाहिए। आज के दिन माता का पूजन करने से माँ शिवरात्रि के नाम से ही सिद्ध होता है कि माता सभी सिद्धियों को जो सिद्ध करने वाली माता है, वह सब अवगुण जो है दूर करती है। आज के दिन माँ शिवरात्रि की पूजा की जाती है। माता को कमल का फूल है जो ज्यादा पसंद है, और शहद का जो अभिषेक है वह किया जाता है। माता को सफेद मिठाई फल फूल सफेद गऊ के दूध से बने अगर खीर की बात की जाए तो खीर माता को ज्यादा पसंद है। जी नंदनी जी, बिल्कुल जगदीश, आपके हम इर्द गिर्द देख पा रहे हैं कुछ श्रद्धालु भी मंदिर में आ रहे हैं पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इन नौ दिनों में जितनी संख्या में लोग नजर नहीं आए, आज थोड़ी संख्या भरी है लोगों की? भले ही मामले बढ़ रहे हों, लेकिन जो माता की श्रद्धा है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को खींच रही है मंदिरों की तरफ, लेकिन हम फिर भी यही अपील करेंगे कि मास्क जरूर लगाएं। जगदीश जी बिल्कुल नंदनी, अगर बात की जाए भक्तों की, तो भक्तों की संख्या आज बिल्कुल मंदिरों में ज्यादा दिखाई दे रही है। सुबह से ही भक्तों का जो आना जाना है, सुबह 4 बजे मंदिरों के दीवार है जो खुल जाते हैं, और मंदिर कमेटी की ओर से अगर बात की जाए तो उनकी ओर से हर चारों गेटों पर जो मास्क का प्रबंध किया गया है सोशल डिस्टेंस के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए वहां पर चौकीदार तैनात किए गए हैं, और सैनिटाइज का भी प्रयोग है जो मंदिरों में करवाया जा रहा है। भक्तों को बिल्कुल मास्क भी अंदर आने दिया जा रहा है। अब भले ही कोरोना काल के चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन भक्तों की जो श्रद्धा है माता के प्रति वह बढ़ती नजर आ रही है। नंदनी बिल्कुल मंदिरों में जरूर भक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन मंदिर कमेटी की तरफ से मास्क का प्रयोग करके और सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करके ही भक्तों को अंदर आने दिया जा रहा है। जी नंदनी जी बिल्कुल, जगदीश आप बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास और जानेंगे कि माता के मंदिर में भक्त भोग के रूप में क्या क्या लेकर आ रहे हैं। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़े हैं सोनीपत से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, इस वक्त आप मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर क्या तस्वीर आज आखिरी दिन पर आप देख पा रहे हैं नवरात्रों के? जी बिल्कुल, आज नवरात्रा है और आज आखिरी नवरात्रा है। हमारे साथ आचार्य हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि नवरात्रे जो पूरे हो चुके हैं, आज आखिरी नवरात्रा है, तो माता के भक्तों को आज क्या करना चाहिए? क्योंकि आज सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिली है कि आज शादियां भी ज्यादा हैं, तो नवरात्रे भी हैं, भीड़ भी है, कोरोना भी है, और नवरात्रा भी आखिरी है, तो क्या करना चाहिए भक्तों को? जय माँ सिद्धिदात्री। देखिए लाजपति, सबसे पहले बात करेंगे हम माँ सिद्धिदात्री के बारे में। हमने प्रथम नवरात्रे से लेकर और आज तक जो भी पूजा पाठ की है, जो भी हमने मेहनत की है, तपस्या की है, किसी भी तरीके से की है, उसका आज माँ दुर्गा फल देने वाली है। इसलिए आज जो नवमी का दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है, और हमारे कर्मों का फल, हमारी तपस्या का फल आज दुर्गा माँ देने वाली है,
तो सभी से प्रार्थना है कि कोरोना वायरस के चलते हुए सभी अपने घर में बैठकर ही माँ दुर्गा माँ सिद्धिदात्री का ध्यान लगाएं और ध्यान लगाते लगाते ही आप उनसे यह आह्वान करें कि या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हे माँ सिद्धिदात्री, आप पूरे ब्रह्मांड को सिद्धि देने वाली हैं, शंकर भगवान को भी आपने ही सिद्धि प्रदान की है, इसी वजह से ही उनको आधा शरीर नारी का मिला था। जो सिद्धियां होती हैं अष्ट सिद्धि हैं और 18 भी कही गई हैं, तो वह सब सिद्धियां आप ही देने वाली हैं। इसीलिए शंकर भगवान को भी जो है अर्ध नारीश्वर कहा जाता है, विष्णु भगवान को भी आपने ही सिद्धि प्रदान की है, तो इसलिए हे माँ दुर्गा आप हम सभी को जो है सिद्धि प्रदान करें, हमारे मनोकामना पूर्ण करें, यही प्रार्थना करते हुए आज का दिन व्यतीत करें। और आज विवाह का भी मुहूर्त है, इसलिए सभी से प्रार्थना है कि विवाह में भी जो है आप बहुत ही सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करते रहें और उचित दूरी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वायरस हवा में है और हवा में जो वायरस है वो सांस के द्वारा अंदर जाता है, इसलिए मास्क तो बिल्कुल भी ना हटाएं। और आज जिसने जो भी कामना से नवरात्रे आरंभ किए थे, विसर्जन का दिन, कंजकों का दिन और सिद्धि प्राप्त करने का दिन है, इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने घर में ही सावधानी बरतते हुए घर में ही जो भी कन्या हो उन्हें उनका पूजन करें और हवन इत्यादि अकेले ही घर में करें, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब इत्यादि पे देखकर लाइव देखकर आप, या फिर ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः गणेश भगवान का नाम लेके इसी मंत्र से जो है 108 बार आहुतियां दे दें, इसी से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी और आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जी लाजपत, एक सवाल मेरा पंडित जी से जरूर है कि आज चूंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जब और जैसा कि कंजकों को भोज कराना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है नवरात्रों के आखिरी दिन में अष्टमी और नवमी पर, तो ऐसे में जो लोग अगर कंजकों को भोजन नहीं करवा पा रहे हैं कोरोना के मद्देनजर, तो किस तरीके से माता की पूजा अर्चना की जाए कि वो बिल्कुल उतना ही फलदायी हो जितना कि कंजकों को भोजन कराने जितना होता है? आचार्य जी, जैसे जो भगत हैं, माता के भगत हैं, जो कन्याओं को जिमाना होता है आज के दिन, तो वो माता की कैसे आराधना करें ताकि माता प्रसन्न हो, क्योंकि कन्याएं अब है, कोरोना का काल है, काफी जो दिक्कत हो रही है, कन्याएं घर में नहीं आ पा रही, तो उन भक्तों को क्या करना चाहिए? देखिए, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ दुर्गा का सर्वप्रथम रूप कन्या का ही है, इसलिए हमें कंजक जमाने का विधान है, कंजकों को भोजन इत्यादि कन्या पूजन का विधान है। अगर आप कोरोना काल में कन्या इत्यादि नहीं आ रही है, तो आप घर में ही जो है उनका कुछ ना कुछ भाग आप निकाल सकते हैं, कुछ पैसे ही उनके लिए रख सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आप भोजन ही पका के उन्हें खिलाएं, तभी मनोकामना पूर्ण होती है। उनके लिए कोई भी स्कूल स्टेशनरी इत्यादि जो है, जो भी उनकी आवश्यकता होती है, वैसी चीजें उनको दे सकते हैं, उनको आज नहीं बाद में भी उनको दे सकते हैं, लेकिन आज जो है संकल्प करना जरूरी है। हाथ में जल लीजिए, नौ कन्याओं का ध्यान कीजिए, अगर नाम नहीं तो अमुक नाम से ही ध्यान कीजिए, और कि हे माँ दुर्गा हम ये संकल्प लेते हैं कि अब किसी कारणवश जो है कोरोना वायरस के चलते हुए हम जो है कन्या नहीं जिमा सकते, परंतु हम ये संकल्प करते हैं कि जब भी हमें मौका मिलेगा तब जो है हम इन कन्याओं, ये जो भी हम संकल्प ले रहे हैं, ये कन्या पूजन हम करेंगे। इस प्रकार करने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी और आपका कन्या पूजन भी पूर्ण हो जाएगा, और उसके बाद फिर अगर समय मिलता है और कन्या आपको आसपास में या एक या दो कन्या भी मिलती है, तो आप उनको वह दक्षिणा इत्यादि प्रदान कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नन्नी, जैसे कि बताया आचार्य जी ने, जो कन्या है उनका मन खुश हो वो चीजें उनको हम दे सकते हैं, जैसे स्कूल की सामग्री है या और अन्य जो चीजें हैं, जिससे कि कन्या प्रसन्न हो। मतलब कुल मिला के यही है कि कन्या प्रसन्न होनी चाहिए,
आपके घर में कन्या हो उनको उनको खुश कीजिए, नौराते हैं उनको खुश करना ही जरूरी है क्योंकि कन्या जो है वो नौरातों में सबसे जरूरी होती है। आचार्य जी, जैसे हमारा जिला सोनीपत नजदीक है, एनसीआर दिल्ली के नजदीक है और नौराते का आज आखिरी दिन है, तो कढ़ाई को लेकर भीड़ भड़ाके में जो भगत है वो जाना चाहते हैं क्योंकि उनको सामान की जरूरत है, तो उनको क्या बचाव के लिए घर पे क्या प्रयास करना चाहिए ताकि वो घर पर ही रहकर अपनी कढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, घर में जो भी अन्न है उसी से मिष्ठान हलवा इत्यादि मीठा दलिया भी बना सकते हैं, या हम जो है घर में जो भी जो हमारे पास व्यवस्था है उसी सामग्री से हम कोई भी मीठा भोग, दूध का भोग माँ को लगा सकते हैं और वही लगाने के बाद जो है उसी का प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हमारे आसपास या घर में ही जो कन्या इत्यादि हैं उनको जिमाइए, उनकी संतुष्टि कीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए और पूरा दिन जो है माँ दुर्गा को याद करता हुआ व्यतीत कीजिए। इससे जो है हम कोरोना वायरस बाहर जाने से भी बच सकते हैं और अपने घर में रह के भी जो हमने 9 दिन तपस्या की है, 9 दिन व्रत किए हैं, उनका भी पूर्ण रूप से हमें फल प्राप्त हो सकता है। जैसे आचार्य जी, हमारे नजदीक बहुत जिला दिल्ली पड़ता है और हमारे यहाँ पर किसान भी बैठे हुए हैं, उनमें भी माता के भगत है काफी, ऐसे जो किसान आंदोलन में बैठे हैं वो भी नौराते कर रहे हैं, तो उनको क्या बचाव करना चाहिए? देखिए, भीड़ से तो थोड़ा सा हटके ही रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पे आंदोलन में, उनसे सभी से प्रार्थना है कि वो भी व्रत होंगे, व्रती होंगे, माँ दुर्गा की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी से प्रार्थना है कि डिस्टेंस बनाए रखें और वहीं पे सामूहिक रूप से ना करें, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से ही जो भी आपके पास व्यवस्था है उसी से ही जो है थोड़ा सा भोग माँ दुर्गा। जगदीश भी हमारे साथ लगातार मंदिर से बने हुए हैं और जगदीश, हम यहाँ पर माता के साकरी दिन पर कन्या भोजन की बात कर रहे हैं और जैसा कि सोनीपत में हमारे साथ पंडित जी जुड़े तो उन्होंने बताया कि कन्याओं को खुश जितना करेंगे देवी उतना खुश होंगी और माता को उनका पसंदीदा भोग चढ़ाया जाएगा तो भी देवी खुश होंगी, तो ऐसे में मंदिर में आपको श्रद्धालु किस तरीके का प्रसाद लाते हुए नजर आ रहे हैं? आज माता के मनपसंद भोग की बात हम कर रहे हैं तो ऐसे में श्रद्धालु क्या क्या भोग के रूप में माता के लिए ला रहे हैं? जी नजरिया, भक्तों की बात की जाए तो भक्तों की ओर से आज मंदिर में जो खीर है, पूरी है, हलवा है, काले चने की जो प्रसाद है वह लाया जा रहा है और नारियल के रूप में भी प्रसाद को प्रयोग किया जा रहा है। कुछ भक्त माता को जो शहद का भोग है वो लगाते नजर आ रहे हैं। भक्तों की ओर से दूध की बनी, सफेद दूध की बनी जो मिठाइयां है वह भी ला रहे हैं और देखा जा रहा है कि भक्तों की ओर से कन्याओं को जो है कुछ दान दक्षिणा दिए जा रहे हैं, जो चुनरी है भक्तों की उसे चुनरी जो है माता को भी चढ़ाई जा रही है और कन्याओं को भी जो है चुनरी है और जो वस्तुएं हैं जैसे स्कूल की वस्तुएं हैं, टिफिन है, जब पानी की बोतल है, बच्चों को भक्त देते, बच्चों छोटी जो कन्याएं हैं उनको देते नजर जरूर आ रहे हैं। नंदिनी, एक बात जो पंडित जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमें बताया कि अंत भले का भला, आज नवरात्रा का 9वां दिन है, उनका कहना है कि अंत भले का भला, नवरात्र के 9वें दिन माता की पूजन जरूर करना चाहिए, भले ही हमने 8 दिन माता का पूजन कर लिया, 8वें के दिन कढ़ाई कर ली, लेकिन 9वें दिन पूजन जरूर करना चाहिए क्योंकि माँ शिवरात्रि का जो रूप है वह माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और अगर हमसे 8 दिनों में व्रत रखते हुए भूल चूक में भी कोई गलती हो या कोई हमने जानबूझ के गलती कर ली हो तो माता शिवरात्रि की पूजन से जो है माता शिवरात्रि जो है सिद्धि प्रदान करने वाली है, वो सारी गलतियां हैं जो माफ करती हैं। आज के दिन लोगों को पूजन जरूर करना चाहिए। जी नंदनी जी बिल्कुल, और आज आखिरी दिन पर नवरात्रों में जैसा कि जगदीश आप बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा अर्चना आज ही के दिन पर होती है, इन 8 दिनों में अगर पूजा लोग नहीं भी कर पाए हो, आज आखिरी के दिन पर माता की आराधना अगर सच्चे मन से की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में जो पंडित जी हैं उनसे लगातार आपकी बात हुई है तो ऐसे में जो अभी दौर चल रहा है जगदीश, कोरोना का काल है और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और ऐसे में अब आखिरी दिन नवरात्र का तो जो पंडित जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि किस तरीके के नक्षत्र इन दिनों बने हुए हैं और कब जो है समय में परिवर्तन आएगा या समय थोड़ा सा बेहतर आएगा, क्या कह रहे हैं पंडित जी से लेकर?
जी बिल्कुल, हमारी सुबह ही पंकज शर्मा जो हमारे अर्थशास्त्री और जो प्रसिद्ध पंडित है उनसे बात हुई है, उनका यह कहना है कि कोरोना काल के चलते जुलाई में जो कोरोना काल का है बिल्कुल अंत होता नजर आएगा, जुलाई में हम जो कोरोना काल के जो भय है उससे बच पाएंगे, अगर हमें पूजा पाठ की जो जरूरत है वह लोगों को करना चाहिए। अगर आज के नवरात्र की बात करें तो उनका यह कहना था कि सुबह अपने घर में ही पूजा पाठ जो कर सकते हैं, अगर नौ कन्याएं नहीं है एक या दो कन्याएं मिल जाती हैं तो उनका पूजन कर सकते हैं, अगर कन्याएं एक या दो भी उपलब्ध नहीं हो पाती तो अपने घर की जो कन्याएं हैं, जो अपने नाती धोती जो कन्याएं हैं आप उनको भी भोजन करवा के उनके से भी आशीर्वाद ले सकते हैं, अगर फिर भी कन्याएं नहीं मिलती तो कन्याएं का नाम का जो भोजन है निकालकर आप गौ माता को खिलाकर उनके पाप धोकर भी उनके आशीर्वाद ले सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जगदीश कालावली की शक्तिपीठ से हमारे साथ जुड़े, अब हम एक बार फिर से चलते हैं सोनीपत से, लगातार हमारे सहयोगी लाजपत जुड़े हुए हैं और लाजपत लगातार पंडित जी से हमने यहां पर बात की और इस नौवे दिन की महत्वता को जाना, लेकिन अगर बात करें इस पूरे नौ दिनों की तो आज आखिरी दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है या इस आखिरी दिन को लेकर क्यों कहा जाता है, मैं चाहूंगी आप पंडित जी से पूछें कि इन आठ दिनों में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो आज आखिरी दिन पर माता की सच्चे दिल से पूजा अर्चना की जाए, अपनी सारी गलतियों को जो है सुधारा जा सकता है। जी आचार्य जी, जैसे नवरात्रे होते हैं आठ दिन तक जो कोई अगर भगत से कोई गलती होती है तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि आज आखिरी नवरात्रा है तो ये जो आठ दिन में अगर कोई भगत से गलती होती है तो आज के दिन उनको कैसे माफ किया जाए, माता जी कैसे खुश प्रसन्न हो क्योंकि आज आखिरी नवरात्रा है। देखिए माँ बड़ी दयालु है और गलतियां तो भक्तों से होती रहती है, परंतु कोशिश करिए कि गलती ना हो, अगर नवरात्रों में हमसे गलती हो भी जाती है तो उसकी क्षमा याचना करने के लिए क्षमा याचना स्तोत्र है जो हमारे वेद शास्त्रों में है, उनका हिंदी अनुवाद मैं आपको एक बार बता देता हूं, वो इस प्रकार है, आप हाथ जोड़कर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके और इस स्तोत्र को बोलिए, स्तोत्र है कि हे मां भगवती हे मां दुर्गा, हमने जो क्रियाहीन भक्तिहीन मंत्रहीन श्रद्धाहीन सामग्रीहीन आपका जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से पूर्ण हो, दिन रात हमारे हाथों हजारों अपराध होते रहते हैं, इसलिए हे देवी अपना दास समझकर अपना बालक समझकर हमें क्षमा करना, आपके चरणों की भक्ति हमें प्रदान हो, क्योंकि भक्ति में ही सर्व सुख है, हमारा जो जीवन है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए बना है, इसलिए जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई है या कोई त्रुटि हो गई है तो हे माँ दुर्गा आप हमें अपना बालक समझकर क्षमा करें, क्योंकि माँ जो है वो जिस प्रकार पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम सब कार्य करते रहते हैं, मल मूत्र इत्यादि पृथ्वी पर ही को पृथ्वी को खोदते रहते हैं, खोद के पानी निकालते हैं, तो माँ धरती जो है वो इतना कुछ सहन करते हुए भी हमें अपने ऊपर रखती है, हमारा पालन पोषण करती है, अन्न इत्यादि जो है वो सब धरती माँ देती है, तो वो भी एक दुर्गा माँ का ही रूप है, तो हे माँ जिस प्रकार आप हम हमारी सारी शरारतों को या सारे अपराधों को क्षमा कर देते हो उसी प्रकार हे माँ हमने जो नवरात्रों में अगर कोई भूल की है जाने अनजाने में तो उसे भी आप क्षमा करो, माँ दुर्गा क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, ऐसा बोलकर आप दंडवत माँ के चरणों में। लाजपत आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें नवरात्रों को लेकर साझा की, आज आखिरी दिन है नवरात्रों का और लगातार हमारी यही कोशिश इन नौ दिनों में रही है, चूंकि कोविड का दौर है ऐसे में मंदिर जाना जाहिर तौर पर मुनासिब नहीं है सभी श्रद्धालुओं के लिए, तो हमारी कोशिश यही रही है हमारी इस खास पेशकश के जरिए कि तमाम शक्तिपीठों के घर बैठे आपको दर्शन करा सकें और उम्मीद है कि आपको हमारी ये खास पेशकश जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।